हेलो गाइस, माय नेम इज़ अंकित कुमार और आप देख रहे हो फिक्स प्रीपोजिशन। देखो, फिक्स प्रीपोजिशन जो है आने वाली अपकमिंग वैकेंसी, जैसे मान लीजिए एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ और स्टेनोग्राफर, इसमें फिक्स प्रीपोजिशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसमें क्या होता है कि आपके फिक्स प्रीपोजिशन दे देगा, आपसे पूछेगा कि फिलर में आगे क्या आएगा। ठीक है, तो इन वर्डों के साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लाया हूँ जो एसएससी ने प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं। तो जैसे कि मान लो पहला वर्ड लिखा पड़ा है आपके सामने, एफर्ट। एफर्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है डरना। क्या होता है? डरना। ठीक, अब डरना है, अगर मैं इसकी बात करूं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच किस पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, तो एक तरीके से ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव। एफर्ट जो अपने साथ एक प्रीपोजिशन लेता है जिसका नाम है ऑफ, हमेशा प्रीपोजिशन क्या लेगा? ऑफ लेगा। इसका मतलब है डरना। डरने को और चीज़ कैसे देख सकते हैं हम बोल सकते हैं पैट्रीसाइड। क्या बोल सकते हैं? पैट्रीसाइड। और क्या बोल सकते हैं हम? टेयरफुल। क्या बोल सकते हैं? टेयरफुल। तो ये सारे के सारे वर्ड जो होते हैं इनका मीनिंग भी होता है कि डरना। तो अपने साथ कैसी प्रीपोजिशन लेते हैं? ऑफ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा पड़ा असेम्प्ट। असेम्प्ट का मतलब होता है कि लज्जित करना किसी को, या शर्माना, लज्जित करना। ठीक है, उसका क्या करना? बहुत तेजी के साथ बेइज्जती कर देना। तो ये भी एक अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है? शर्मीला, या फिर क्या करना उसको? लज्जित कर देना। मतलब कि एक तरीके से क्या कर देना उसको? शेमफुल होना। क्या होना? शेमफुल होना। और ये भी प्रीपोजिशन क्या लेता है अपने साथ? हमेशा ऑफ लेता है। ठीक है, तो असेम्ड हो गया, तो ये फिक्स प्रीपोजिशन क्या लेगा अपने साथ? हमेशा ऑफ लेगा। और एफर्ट जो होता है अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, जिसका मतलब होता है पैट्रीसाइड और होता है फेयरफुल। ठीक, टेयरफुल। अगली बात कर लेते हैं भैया अवेयर। अवेयर हमेशा वेयर हो जाए, या तो आपको दे देगा वेयर या फिर दे देगा आपको अवेयर। तो वेयर और अवेयर अपने साथ एक प्रीपोजिशन लेते हैं, इसका नाम भी है ऑफ। इसका मतलब होता है जागरूक होना। जागरूक होने को कहते हैं इंग्लिश में, बोलते हैं कंसियस। कंसियस का मतलब क्या होता है? जागरूक होना। ये भी अपने साथ एक वर्ड क्या लेता है? फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? जागरूक होना, या कह सकते हैं अवेयरनेस। क्या करना? अवेयरनेस। तो ठीक है, इसके साथ ही प्रीपोजिशन क्या आएगा? ऑफ आएगी। नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा पड़ा है आपका कैपेबल। कैपेबल का मतलब होता है किसी चीज़ में क्या होना? एकम्पलिस्ड होना। एकम्पलिस्ड का मतलब होता है सक्षम व्यक्ति, या कह सकते हैं चतुर व्यक्ति। ठीक है, तो चतुर व्यक्ति को क्या कहेंगे भैया? या तो वो चीज़ क्या होगा? स्किलफुल होगा, या कह सकते हैं आर्टफुल होगा, या क्या कह सकते हैं वो एकम्पलिस्ड होगा। क्या होगा? एकम्पलिस्ड। ठीक है, क्या होगा? एकम्पलिस्ड। ये क्या वर्ड लेते हैं अपने साथ? एक फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं जिसका नाम है हमेशा ऑफ लेते हैं, तीनों के तीनों वर्ड। और ये हो गया आपका कैपेबल। ठीक, नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा पड़ा है आपका कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है, एक होता है कॉन्फिडेंट, एक होता है कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन क्या लेता है हमेशा? क्या होना होता है कि एश्योर करना। एश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये भी प्रीपोजिशन क्या लेता है हमेशा अपने साथ? ऑफ लेता है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है आपका कन्वाइंस्ड। कन्वाइंस्ड का मतलब क्या होता है? एक तरीके से कह सकते हैं इसका मतलब होता है एक तरीके से सुझाव। क्या होता है? सुझाव देना। ठीक है, क्या करना? किसी को गाइडेंस देना, सुझाव देना। तो ये भी एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है जिसका नाम है ऑफ। ये जो सारी की सारी प्रीपोजिशन हो गई, एफर्ट, एफर्ट मतलब डराना, एडजेक्टिव है, अपने साथ प्रीपोजिशन लेगा ऑफ, इसका मतलब होता है पैट्रीसाइड होना, या फिर क्या होना? टेयरफुल होना। ठीक, अगला वर्ड है एजम्ड। एजम्ड का मतलब एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है शर्मिला, शेमफुल होता है। तो ये भी फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। अगला अवेयर की बात कर लेते हैं। अवेयर क्या होता है कि जागरूक होना। अवेयर या अवेयर मिल जाए तो ये भी अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, इसका मतलब होता है कंसियस। कंसियस का मतलब भी होता है जागरूक होना। अगला वर्ड है आपका कैपेबल। कैपेबल का मतलब होता है चतुर, स्किलफुल, आर्टफुल और एकम्पलिस्ड। ये भी अपने साथ क्या प्रीपोजिशन लेता है? ऑफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है एश्योर, मतलब कि सुनिश्चित करना, विश्वास दिलाना, दिलासा दिलाना, इसका मीनिंग होता है ये, और इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ आएगी। नेक्स्ट वर्ड लिखा पड़ा है कन्विंस्ड। कन्विंस्ड का मतलब क्या होता है? किसी को सुझाव देना, गाइडेंस देना, इसके साथ भी प्रीपोजिशन ऑफ आएगी। ये सारी की सारी प्रीपोजिशन एसएससी ने रिपीट करी है, प्रीवियस ईयर की प्रीपोजिशन है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वर्ड सारे इंपॉर्टेंट लगें और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स।